अकाली दल का जिहड़ा है गठ चुके अज पंजाब बड़ा खुशियां भरा ते भागां वाला दिन है जिहड़ा 1996 च साडा अलायन सीगा उस तो बाद अज दवार तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुरेश सिंह जी बाल साहब और भैन मायावती बहुजन समाज पार्टी अज पंजाब दवार तो एक माहौल किसानों के मजदूर के हरेक के हक च जिहड़ा गरीबों के हक च चाहे वह श्रोमणी अकाली दल है चाहे बहुजन समाज पार्टी है और रल मिल के अज दवार तो जिहड़ा पंजाब के लोगों को एक आस दिखन लगी है क्योंकि तो जो पिछले 4.5 साल कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करके रखता हर वर्ग का खास करके जे बिजली की गल कर लिए यूनिट फ्री की गल कर लिए आटा दा स्कीम की गल कर लिए होर स्कॉलरशिपां दा तुहानू पता किड्डा वड्डा स्कैम हो गया कांग्रेस सरकार च जिन्ने वड्डे वड्डे घोटाले करके इन्हां ने तकरीबन किसान वर्ग मजदूर वर्ग हर तरह का समाज का वर्ग सारा ही रगड़ के रखता उत्थे अज दवार तो पंजाब के लोगों ने क्योंकि अज तो नहीं पिछले 4-6 महीनों तो पार्टी प्रधान साढ़े सुखबीर सिंह बादल साहब दिन रात इको कम से पंजाब नूं बचाया किवें जा सकता और सब तो पहला जे पंजाब च डिप्टी मुख्यमंत्री का अहुदा अनाउंस किया श्रोमणी अकाली दल ने किया देखते हुए तुसीं देखिया उन्हां भारतीय जनता पार्टी जिहदी अज जमीन तकरीबन अज खिसक चुकी है पंजाब चों उन्होंने सीएम का अहुदा अनाउंस करता और जिहड़ी आ कांग्रेस पार्टी सारी खिंडी पई है जिहदा मुख्यमंत्री आप 40 MLA ते मंत्रियों दीआं फाइलां बना के अली बाबा 40 चोर वालियां फाइलां बना के आपकी हाई कमान नूं दिया भी आप मन गया भी साडी सरकार के सारे MLA ते मंत्री करप्ट ने सो तुहानूं आप जिद्दा हालात कहे जे बन चुके सीगे अज जो होया मैं समझदा पंजाब के हालातों नूं देखदे हुए जो भारतीय जनता पार्टी साडा 9 मार्च का रिश्ता चलता आ रहा सीगा और उन्होंने काले कानून जब वापस लिते अज तो 1.25 साल पहला उसनों देखद हो तोड़ छोड़ा करके अब बहुजन समाज पार्टी समझौता होया और तुसी देखो 18 से 20 सीटा फाइनल हुई हैं बाकी तो पार्टी हाईकमांड का जल्दी वो आ जाऊगा फाइनल डिसीजन भी लिता उन्होंने पर अज दलित समाज किड्डी वड्डी खुशी की लहर है तुसी आप समझ सकते हो साढ़े SC विंग के प्रधान साहब हैप्पी लॉर्ड जी खड़े ने यह आप दसनगे किस तरीके पहला इन्हों बहुजन समाज पार्टी के अमरजीत खड़े ने सारे रल मिल के पहला काम करना चाहते होंगे जी पार्टियां अड्ड अड्ड होने कारण अड्ड चलना पैंता सीगा अज बड़ी सोनू जी नाल ने बड़ी खुशी हुई हुई है सारिआं नूं किस तरीके नाल भी अज सारा समाज जो सरदार प्रकाश सिंह जी बाल साहब सरदार सुखबीर सिंह बाल साहब ने जिहड़ियां लोक भलाई सेवावां शुरू कीतियां हुई पंजाब के लोगों लई ते जिहड़ियां कैप्टन अमरिंदर ने 4.5 साल दीआं बंद कीतियां हुई सी अज ना केवल दलित समाज च मजदूरां च किसानां च हर वर्ग च खुशी की लहर है भी आने वाला जिहड़ा 2022 सरदार सुखबीर सिंह जी बाल साहब मुख्यमंत्री बन के जो लोग भलाई स्कीमां पहलां चलियां होईयां उही चलाउंदे और एक मैनूं बड़ी खुशी हुंदी हुंदी है जिहड़ी पार्टी नाल मैं जुड़िया होया अक्टूबर च जाके असीं आपदा मैनीफेस्टो रिलीज़ करन जा रहे हां और पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बाल साहब साडी सारी कोर कमेटी दा डिसीजन है जो वादे असीं पूरे कर सकदे होए असीं वो मैनीफेस्टो च लैके आवांगे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4.5 साल पहला गुटका साहब की सहुं चक के प्रशांत किशोर के कहते पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया सी वो गल बिल्कुल नहीं करांगे और आम आदमी टोपी पार्टी ने भी कहता यही कार्ड साडे कोल लैके आ जाओ 20 लाख नौकरियां असीं दे देंगे सो कोई भी एजेंडा इन्हां कोल है नहीं प्रमाण लगे हुए सी वो खत्म हो चुके हैं और अज बड़ी वो खुशी मैं तो समझदा बजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलिया उत्ते डॉक्टर अमरजीत जी होनी सोनू जी होनी सारे असीं रल मिल के पटियाला शहर है कैप्टन अमरिंदर सिंह का शहर है ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਹਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀ ਹੁਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ 1.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਗਿੱਟ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ 1.25 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ CM ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ MP ਲੈਟ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 2022 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 59 ਦੀਆਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋਨੀ ਕੋਲੀ ਜੀ ਖੜੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ 59 ਦੀਆਂ 59 ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਟਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।